अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एचटीएमएल की सीरीज़ में हम फॉर्म टैग पढ़ रहे थे, तो उसके पिछले लेक्चर में हमने इसमें जो पढ़ा था वो था, हमने यूज़र नेम एक टेक्स्ट फील्ड बनाई थी और उसके बाद पासवर्ड कैसे एंटर करते हैं, उसके बाद रेडियो बटन, उसके बाद मैसेज बॉक्स और चेक बॉक्स और एक सेव का बटन, इतना हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और इसके बाद जो आज रिमेंडिंग पार्ट है हम वो इसका देखेंगे। ओके, तो चले मैं अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ। ये वही पुरानी फाइल है, तो इसी से यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम यूज़ करते हैं फील्ड सेट। तो फॉर्म के ये जो जहाँ पर ये फॉर्म का टैग है ना, इसके ऊपर लगाते हैं वो। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फील्ड सेट, ये ले ली फील्ड सेट, और जो इसका क्लोजिंग टैग है ना, इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पर। तो अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ बॉर्डर लगता है कि नहीं। ये देखें, एक मिनट, उसके ऊपर आ गया। ओके ओके ओके, ये इसने यहाँ पर भी एक क्लोजिंग टैग लगा हुआ है, सॉरी। तो अब देखते हैं, अब देखें, अब ये देखें, ये बॉर्डर के अंदर आ रहा सारा। ओके, तो ये होता है फील्ड सेट। आपने एक फील्ड लगा दी इसके लिए, और इसके बाद आपको इसका फील्ड सेट का, आपने इस फील्ड का कोई नेम देना, तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लीजेंड। ओके, तो ये एक बात याद रखिएगा, लीजेंड तब यूज़ करते हैं जब फील्ड सेट हो। तो हम ये लीजेंड टैग ले लेते हैं, ये लीजेंड टैग ले लिया। तो अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं नाम दे दिया इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, तो चलें चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये इसने इसका नेम भी लिख दिया यहाँ पर, ये थकी दिया। ओके, तो ये होता है इसके जो लीजेंड टैग है उसका काम। चलें मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ अंदर तक। ओके, तो चलें ज़रा, अब जो हमने आज पढ़ना है, तो आज जो इसके बाद हमने कल सबमिट बटन तक पढ़ा था, तो एक मैं इसमें सबमिट बटन को नीचे कर देता हूँ, तो चेक बॉक्स के नीचे शुरू करता हूँ। तो आज हमने जो पढ़ना है पहले वो है सिलेक्ट पढ़ना है, सिलेक्ट टैग पढ़ना है। उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि अब जो चेक बॉक्स होता है ना एक, तो चेक बॉक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें आप मल्टीपल चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए तो वहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। तो इसी तरह होता है सिलेक्ट बॉक्स होता है, उसमें ये होता है सिलेक्ट बॉक्स में कि आप मतलब चेक बॉक्स में दो से तीन तकरीबन चीज़ें रख सकते हैं ना। तो क्योंकि वो जाहिर है कि एक पेज पे अगर हम 5-6 लेंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा अपने आपके रजिस्ट्रेशन पेज पे। उसके लिए मैक्सिमम चेक बॉक्स के लिए 2-3 होती हैं, लेकिन आप इस सिलेक्ट बॉक्स में ऐसे नहीं है, आप उसमें मल्टीपल ले लें, जितनी मर्ज़ी ले लें, 5 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और कैसे लेते हैं वो चले अभी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लेबल टैग। ओके, ये मैंने ले लिया लेबल टैग, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेबल टैग को, इसको मैं नाम दे दिया गेम्स। ओके, मैं इसको नाम दे दिया गेम्स। तो वो चलें, इसके बाद ले लें सेलेक्ट, ये ले लिया मैंने, ये मैंने सेलेक्ट बॉक्स ले लिया। और इसके सेलेक्ट बॉक्स के अंदर लिस्ट बनाने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो था ऑप्शन। सॉरी, इसके अंदर स्पेस नहीं थी देनी, तो क्योंकि इसके दरमियान में हमने लिखना है। तो इसके अंदर मैं एक गेम ले लेता हूँ, जैसे मैंने गेम ले ली पबजी ले ली, और इसके बाद मैं इसे वो कॉपी कर लेता हूँ। हम तकरीबन 6 ले लेते हैं ताकि आपको समझ सही तरह आए। ये देखिए, एंटर वी एंटर 3 4 5 6। चलिए अब इनके नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिकेट लिख देता हूँ, उसके बाद मैं लिख देता हूँ फुटबॉल लिख देता हूँ, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ फ्री फायर लिख लेता हूँ, उसके बाद आ जाती है हम हॉकी लिख लें। कोई भी मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ जो आ रहे स्टम जेन में, तो आप अपनी मर्ज़ी से लीजिएगा। तो अब मैं एक ले लेता हूँ बास्केटबॉल लिख लेता हूँ। चले, अब ठीक हो गया। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसको सेव किया और चले वापस आ जाते हैं हम इधर। ये रिफ्रेश किया, ये देखिए, ये इसका लेबल जो हमने गेम दिया, और ये और आता है इसकी, ये सिलेक्ट बॉक्स। ओके,
तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है मैंने छः लिए हैं तो आपने छः लेने हैं, तो आप जितना आप जितने दिल करें आप उतना ले सकते हैं, मतलब उतनी बार इसको ले सकते हैं। मतलब मैंने छः ली है ना पबजी इसकी कैटेगरी जो हम गेम्स की, मैंने सिर्फ छः ली है, तो आप इसमें मल्टीपल भी डाल सकते हैं क्योंकि वो आपकी अपनी नीड्स के मुताबिक होता है, तो वो आप अपनी नीड्स के मुताबिक ही डालेंगे जितना मतलब आपका मतलब माइंड है कि मैंने इतनी चीज़ें ले ली हैं एक स्लेट बॉक्स के अंदर उतने आपने। ओके तो ये था स्लेट बॉक्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये बटन है इसके आगे मैं ब्रेक टाइप लगा लूँ ये मैंने, ताकि बटन नेक्स्ट लाइन में आए, ये मैंने लगा दिया ब्रेक टैग, दो लगा लेता हूँ क्योंकि बाकी ऊपर वाले में भी दो लगाए हैं ब्रेक टैग, तो अब ठीक है नेक्स्ट लाइन में आ गए। ओके सही हो गया, तो चले मैं अपने इसको भी वापस आता हूँ। इसमें एक चीज़ आ जाती है कि आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि मैं एक मिनट ओपन करता हूँ, ये देखें आप नोट कर रहे होंगे ये जो पबजी है ना जो पहले नंबर वाला वो ही ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फ्री फायर ऊपर आए जी पबजी ना आए, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड, तो उसके लिए सिंपली आपने ये फ्री फायर वाले में आना है ऑप्शन में, और एक मिनट यार सॉरी, उसके बाद आपने फ्री फायर पे आना, तो इधर आपने इसे लिख देना सिलेक्टेड सिलेक्टेड। चले अब इसको हम चेक कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए पहले वो आ रहा है, एक मिनट मैंने सेलेक्ट किया हुआ था सॉरी, ये फ्री फायर आ रहा है अब, ठीक है। पहले क्या आ रहा था, पबजी आ रहा था, अभी रेस करके दिखाना पड़ेगा आपको, ये मैंने रेस किया, मैं चेक करवाता हूँ, अब पबजी आएगा। ओके तो ये देखिए यहाँ पे पबजी आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं पबजी नहीं आना चाहिए यहाँ पे फुटबॉल आना चाहिए, तो आप मैंने प्रॉपर्टी बताई है कौन सी सिलेक्टेड में, यहाँ पर सिलेक्टेड लगाऊंगा सिलेक्टेड। चलिए इसको सेव करते हैं, आप देख लें दोबारा, ये देखिए फुटबॉल आ रहा है। ओके तो ये था हमने सिलेक्ट बॉक्स, इसकी एक ये प्रॉपर्टी पड़ी है। उसके अलावा आप सिलेक्ट बॉक्स में और क्या कर सकते हैं, इसमें ये हो सकता है कि आप इसका साइज़ भी दे सकते हैं, साइज़ मतलब क्या कि आप जो फ्रंट पे है ना यहाँ पे एक एक शो हो रहा है ना, आप चाहते हैं कि नहीं एक नहीं दो हो, ठीक है, तो दो के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक सिंपली साइज़ ले लें और दो कर दें, टू कर दें। ओके तो ये मैं रिफ्रेश किया, आप देखें क्रिकेट फुटबॉल दोनों आ रहा है। ओके आप कहते हैं नहीं जी दो नहीं मेरे सारे आने चाहिए, जो छः के छः हैं वो सारे आए, तो मैं सिंपली सिक्स कर लूँगा, तो आप देखिए यहाँ पे सिक्स के सिक्स आएंगे, ये देखें पबजी क्रिकेट फुटबॉल फ्री फायर हॉकी बास्केटबॉल, तो ये आ रहे सारे आ गए, ये आपकी अपनी मर्जी, आप किस तरह जिस तरह मर्जी करें। और इसके बाद आपने एक और जो चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर आप एट अ टाइम एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने अगर चाहते हैं कि नहीं मैंने मल्टीपल करने हैं, तो आपने सिंपली एक और प्रॉपर्टी इधर आ जाती है मल्टीपल, इसको सिलेक्ट कर देना, इसके अंदर कुछ लिखना वगैरह नहीं है, बस सिलेक्ट कर लेना मल्टीपल को। ओके तो चलें इसको अब रिफ्रेश करते हैं और सिलेक्ट करके देख लेते हैं, तो ये मैंने पबजी पे क्लिक किया, मैं क्रिकेट भी साथ करना, तो क्रिकेट पे क्लिक करूँगा तो पबजी से ये ब्लू वाला हट जाएगा, ये देखें। तो अब आप सोच रहे होंगे इसे सेलेक्ट फिर कैसे करें, तो उसके लिए ये करना है आपने कंट्रोल प्रेस करना है और जिसको सेलेक्ट करना है उस पर कर्सर लेके जाना है और क्लिक कर देना है इस तरह इस तरह इस तरह, बेशक साड़ी कर लें, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो ये इसका इतना ही था। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ उसमें सिलेक्ट बॉक्स में, वो ये होता है कि आप इसमें ग्रुप भी बना सकते हैं, मतलब मैं ये चीज़ हटा देता हूँ तो आपको फिर सही समझ आएगी। अब मैं सेव किया और आपको बताता हूँ, अब ये देखिए ये आ रहा है फुटबॉल, मैं चाहता हूँ कि पबजी क्रिकेट फुटबॉल का एक ग्रुप हो और फ्री फायर हॉकी और बास्केटबॉल का एक ग्रुप हो और उनका ऊपर हेडिंग अलग अलग हो, जैसे कि मैं अब क्या करता हूँ यहीं पर काट लेता हूँ। उसके लिए हम ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं OPT ऑप्शन। ओके तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑप्ट ऑप्शन, यहाँ पे OPT ऑप्शन, ये OPT ग्रुप से सॉरी OPT ग्रुप लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्ट ग्रुप कहते हैं इसको, तो इस पर क्लिक किया और इसको मैंने क्लोज़ करना है। पहले आप जहाँ तक आप एक लेना चाहते हैं ग्रुप, मैंने ये फुटबॉल तक का एक ग्रुप लेना चाहता हूँ। ओके तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। ओके मैं ये प्रॉपर्टी भी हटा दूँ, तो
यहाँ तक हमने ये पहले जो पहला ग्रुप होना चाहिए वो इन तीनों का होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने इसको नाम भी कोई देना है तो उसके लिए आपने यहाँ प्रॉपर्टी ग्रुप के टैग के अंदर अपनी लिखना है लेबल और इसको नाम दे देना है। मैंने जैसे नाम दे दिया न्यू गेम्स, ओके। तो इसको मैंने ऐसे रैंडम को नाम दे दिया न्यू गेम्स। और इसी तरह आपने एक नेक्स्ट थ्री पर भी एक ओपीटी ग्रुप ले लेना है, तो इसी तरह सेम। और इसका जो क्लोजिंग टैग है उसे नीचे ले जाना है यहाँ से कट करके। मैंने यहाँ से किसे कर लिया कट और यहाँ पर इसे कर लिया पेस्ट, सही हो गया। तो चलें अब इसको भी नाम दे देते हैं, इसके पहले ले लेंगे लेबल और इसका नाम दे देंगे ओल्ड गेम्स, सही हो गया। तो चलें अब इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं इसने ग्रुप बनाए हैं या नहीं। चलें अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए जो न्यू ग्रुप्स है उसमें तीन आ रही है, ओल्ड ग्रुप ओल्ड गेम्स में उसमें भी तीन आ रही हैं, न्यू गेम्स में भी तीन और ओल्ड गेम्स की जैसे हमने कोडिंग में किया, ओके। तो इस तरह आप इसके ग्रुप भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप इसकी हेडिंग पे क्लिक नहीं कर सकते, बस इसके नीचे जो आपके ऑप्शन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, ओके। तो ये था सेलेक्ट बॉक्स। तो उसके बाद एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो हमने एक सबमिट बटन पढ़ा था ना, तो इसमें था कि आपने यहाँ पे वैल्यू दी थी सेव, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। यहाँ पर ये जो वैल्यू मैंने दी है ना सेव, इसका मतलब ये आपने नाम दिया हुआ है, अगर मैं ये हटा दूँगा ना तो नाम सबमिट ही रहेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको रिफ्रेश किया तो अभी इसने कोई नाम नहीं दिया, ओके। तो इसके लिए आपने इसके वैल्यू में लिखना पड़ता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रजिस्टर, ठीक है। तो ये आप नाम दिए, ये देखा रजिस्टर। अब यहाँ पर जुड़ने मैंने पहले सेव लिखा हुआ था ना, मैंने आपको बस ये बताना था कि यहाँ पर आप कुछ और भी ले सकते हैं, रजिस्टर ले लें, सबमिट ले लें, कुछ भी ले लें, ओके। और इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि आपने एक इनपुट टाइप आ जाती है, वो उसमें आ जाता है कि आपने लेना है वो क्या कहते हैं रीसेट। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप चाहेंगे समय सारा रीसेट करना चाहता हूँ, उसके लिए टाइप ले लें रीसेट, जे रीसेट, ओके। तो ये हमारी लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी रीसेट। चलें इसको पहले अब ट्राई भी कर लेते हैं, ये मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अभी रीसेट वाले बटन को मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया, पहले नाम ले लिया जूस और पासवर्ड मैंने ले लिया, ओके, जेंडर ले लिया और इसके यहाँ पर इसकी कोई अपने मैसेज देना दे दें जो इसको इस बार रिलेवेंट। तो इसी तरह आप जो मर्जी लिख लें, यहाँ पर जो मैच लिखना चाहते हैं तो आपने गेम सेलेक्ट करनी है, गेम सेलेक्ट कर लिया पबजी, उसके बाद अपने जो मतलब कैटेगरी है इसकी सेलेक्ट बॉक्स में वो करने वो कर लें। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सबको ना रेज करना चाहता हूँ, मैं बारी बारी सबसे सबको बारी बारी रेज करना पड़ेगा, उससे अच्छा हम क्या है कि मैंने एक रीसेट का बटन बनाया, मैं इस पर क्लिक करूँगा सारा खुद ब खुद चले जाएगा, ओके। तो बस आज का लेक्चर हमारा इतना था। तो ये आज हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कवर कर लिया कि इसमें क्या क्या होता है, किस तरह करते हैं, एस्टीमेट के थ्रू जो हमने करना था रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाइज हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, थैंक यू।